हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ डेटा और इन्फॉर्मेशन डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो हमने देखा था मैंने वीडियो वैसे हाफ लेक्चर लिया था और हाफ लेक्चर में आज ले रही हूँ आज के लेक्चर में आपको टेक्स्ट बोर्ड पढ़ाऊंगी जिसमें एबीसीडी एसकाई एक्सटेंडेड एसकाई और यूनिकोड ये टॉपिक कवर करूंगी तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये जो इन टॉपिक्स में जो डाउट है वो यहीं पे क्लियर हो जाए आपको बाद में दोबारा ये वीडियो ना देखनी पड़े तो वीडियो को एंड तक देखे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट कोड जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का फोर्थ पार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का थर्ड पार्ट था फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम जिसमें हमने बाइनरी नंबर सिस्टम ऑक्टल डेसिमल एंड पढ़े थे उसके बाद हमने देखा था बिट्स एंड बाइट्स बिट्स एंड बाइट में हमने बिट्स क्या होता है वो पढ़ा था बाइट्स क्या होता है वो पढ़ा था एंड इसके बाद हमने देखे थे इसके कुछ कन्वर्जेंस और आज की वीडियो में ये दो टॉपिक पढ़े थे हमने बेसिकली नंबर सिस्टम एंड बिट्स एंड बाइट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होता है आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि है टेक्स्ट कोड तो टेक्स्ट कोड टेक्स्ट कोड इज अ फॉर्मेट यूज कॉमनली टू रिप्रेजेंट अल्फाबेट पंचुएशन मार्क्स एंड अदर सिंबल द टेक्स्ट कोड आर जो टेक्स्ट कोड है वो नॉर्मली अल्फाबेट पंचुएशन मार्क्स और जो सिम्बल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है हमारे पास मेनली फोर टेक्स्ट कोड होते हैं कौन कौन से ई बी सी टी आई सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड है डेसीम इंटरचेंज कोड सेकेंड आस्काय ए एस सी डबल आई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक्सटेंडेड आस्काय एंड यूनिकोड ये फोर मेनली हमारे पास क्या होते हैं टेक्स्ट कोड होते हैं तो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट कोड आता है ईबीसीडी आई सी ईबीसीडी आईसी ईबीसीडी आईसी इज एन एट बिट बाइनरी कोड फॉर न्यूमैरिकल एंड अल्फा न्यूमारिकल करेक्टर जो ईबीसीडी आईसी है वो एट बिट है कितने बिट है एट बिट है एंड अल्फा न्यूमैरिक न्यूमैरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर को लेता है अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर कौन से होते हैं जैसे एबीसीडी एंड न्यूमेरिक भी वन टू टेन जो भी हमारे से होते हैं नंबर वो भी सारे इसको किसने डेवलप किया था आईबीएम ने और आईबीएम ही से यूज कर रहा है डेवलप भी आईबीएम ने किया था और आईबीएम ही से यूज कर रहा है इट इज अकोडिंग रिप्रेजेंटेशन इन विच सिम्बल्स लेटर्स एंड नंबर्स आर प्रेजेंटेड इन बाइनरी लैंग्वेज ये क्या है कोडिंग रिप्रेजेंटेशन है जिसमे की सिम्बल्स लेटर्स एंड नंबर्स ये क्या होते हैं प्रेजेंट किए जाते हैं बाइनरी लैंग्वेज में मतलब जीरो वन की फॉर्म में जो भी हमारे सिंबल्स होते होते है, होते हैं 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 लेटर्स नंबर्स वो सिम्बल्स में जाते हैं बाइनरी लैंग्वेज में मतलब जीरो वन की फॉर्म में इट डिफाइंस टू फिफ्टी सिक्स सिंबल एट बिट का है तो कितनी सिंबल्स लेता है टू फिफ्टी सिक्स सिंबल्स लेता है इज इक्वल्स टू की पावर एट ये क्या लेता है टू फिफ्टी सिक्स सिंबल्स लेता है ओके ये हो गया हमारा ईवीसीडी आईसी अब हम इसकी देखते हैं एक टेबुलर तो ये हमारी ईवीसीडी आईसी की टेबल जिसमें की एक साइड नंबर्स है एंड एक साइड इसके बाइनरी कोडेड है तो ये हमारी टेबल है ये कैसे बनी ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी क्योंकि इसमें सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको बेसिक की नॉलेज दे रही हूँ कि बेसिक क्या है अब हम आते हैं आस्काय पे तो आस्काय आस्काय एन सेवन बिट रिप्रेजेंटिंग ओनली वन ट्वेंटी एट करेक्टर जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन आस्काय क्या है सेवन बिट है

तो वो हम पूरा एक पूरा एक सब्जेक्ट टाइप है तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे कन्वर्जन होता है कैसे क्या होता है कैसे कन्वर्जन करते हैं कैसे लिखते हैं ये सब मैं उन वीडियोज में बताऊंगी तो आज आप सिर्फ बेसिक जान लो कि हाँ ये होता क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होता है सिर्फ इतना जान लो तो मैंने आसका में बात कही सेवन बिट होता है वन ट्वेंटी एट करेक्टर्स होते हैं ने डेवलप किया है टेलीग्राफ कोड दे अब हम एक बार इसके टेबल देख लेते हैं ये है हमारे आसका नंबर और इसके साइड में इनके कोर्स अब नेक्स्ट आसकाय है वो आसकाय के बाद बना है तो अफकॉर्स ही बात है थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होगा तो yes, ये थोड़ा आस्काय का एक्सटेंडेड वर्जन है थोड़ा एडवांस वर्जन है इट इज एन एट बिट कोड ये क्या है एट बिट कोड है जबकि ये कितना था सेवन बिट कोड था डेट स्पेसिफाइज करेक्टर वन ट्वेंटी एट टू टू फिफ्टी सिक्स वही टू की पावर एट हो जाएगा तो कितने करेक्टर ले सकता है ये वन ट्वेंटी एट टू टू फिफ्टी फाइव करेक्टर अब हम देख लेते हैं एक बार एक्सटेंडेड आसकाई की टेबल तो ये एक्सटेंडेड आशकाय की टेबल ये हमारे सारे करेक्टर्स है हमारे सिम्बल्स है एंड इस तरफ हमारे सारे क्या है कोड्स है एक्सटेंडेड आशकाय कोड्स है तो ये है टेबल अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लास्ट है हमारा यूनिकोड यूनिकोड क्या होता है यूनिकोड यूनिकोड वर्ल्ड वाइड करेक्टर स्टैंडर्ड यूजेस फोर टू थर्टी टू बिट्स रिप्रेजेंट लेटर नंबर एंड सिंबल यूनिकोड क्या है एक वर्ल्ड वाइड कोड है जो कि अब इस टाइम यूज किया जा रहा है यूनिवर्सली यूज किया जा रहा है इस टाइम और ये वर्ल्ड वाइड है जिसमें फोर टू थर्टी टू बिट्स होती है इनमें तो क्या थी एट बिट्स हो रही थी इनमें कितनी होती है फोर से लेके थर्टी टू बिट्स तक हो सकती है मतलब यूनिवर्सली जितने भी करेक्टर है जितनी भी लैंग्वेज है सब इसमें क्या होती है आ जाती है सब आप भी देखो फोर बिट से लेके थर्टी टू बिट्स मतलब कि टू की पावर थर्टी टू बिट्स कितना हाई रेंज हो गया हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते इतना हाई रेंज हो जाता है थर्टी टू बिट्स तो इतने इसमें क्या है इसमें कोड्स आ गए हमारे तो ये क्या हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया ठीक है अब हम सेकंड पे आते हैं यूनिवर्सल करेक्टर एंड कोडिंग स्टैंडर्ड एट असाइन अ कोड टू तो एवरी करेक्टर एंड सिंबल इन एवरी लैंग्वेज मैंने आपको बताया था ये यूनिवर्सल कोड हो गया और ये हर करेक्टर हर लैंग्वेज हर सिंबल में यूनिकोड आने लग गया यूनिकोड में सब कुछ आने लग गया वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेज होती है जितने भी कोड होते हैं सब आने लग गए ठीक है नेक्स्ट पे आते हम यूनिकोड इज एनकोडिंग स्टैंडर्ड इंश्योर्स डेट यू कैन रिट्राइव और यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज तो यूनिकोड एक और सर्विस देता है और ये एक पहला ऐसा है जो क्या देता है ये सर्विस देता है क्या देता है हम जो हमने कुछ भी डेटा डाला है हमने कुछ भी करेक्टेड डाला है उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं हमारे डेटा को अदर लैंग्वेज से मतलब कि हम अपने जैसे मान लो इंडियन लैंग्वेज में कुछ लिखा तो हम उसे कम्बाइन कर सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में और उसे उस दर क्या कर सकते हैं हम कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब रिट्राइव और हम क्या कर सकते हैं कम्बाइन कर सकते हैं हमारे डेटा को कोई भी लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस करके तो बेसिकली ये था हमारी आज की वीडियो में होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल ही आएगी चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेसिक की पूरी वीडियोस लगभग मोस्टली हमारा कंप्लीट सा ही हो गया बेसिक अब इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे एंड उसके बाद नेटवर्किंग इंटरनेट ओ एस कंपाइलर डिजाइन ये सारे सीएस के जो भी टॉपिक्स होते हैं सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम देखते चलेंगे तो आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे बे आइकन को प्रेस कर दे थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो